बीजेपी के लिए अशुभ अगस्त का महीना। वाजपेयी, सुषमा और अब अरुण जेटली। बीजेपी ने खोए अपने तीन दिग्गज नेता। इत्तेफाक बना अगस्त का अभिशाप। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझ। अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है। डिजिटल इंडिया वो अभियान है जिससे गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो अपने आप में समाप्त हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। बीजेपी की सियासत और देश की राजनीति के ये वो कद्दावर चेहरे हैं, ये वो आवाजें हैं जो अब महज यादें बनकर रह गई हैं। बीजेपी की सियासी किताब के पन्ने पलटे तो पिछले एक साल के भीतर बीजेपी ने अपने चार दिग्गज नेताओं को खो दिया है, जिनमें से तीन बड़े नेताओं के निधन का गवाह अगस्त का महीना बना। पिछले साल 16 अगस्त को अटल जी ने दुनिया को अलविदा कहा और अभी अटल जी को गुजरे पूरा एक साल भी नहीं हुआ था कि 6 अगस्त को अचानक सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इन दो सदमों से बीजेपी उभरी भी नहीं थी कि लंबी बीमारी से जूझ रहे अरुण जेटली भी बीजेपी का साथ छोड़ गए और इस तरह अगस्त के महीने में बीजेपी का अरुण अस्त हो गया। अब इसे इत्तेफाक कहिए या अगस्त का अभिशाप, लेकिन हकीकत यही है। पिछले एक साल में अगस्त का महीना बीजेपी के लिए बेहद अशुभ साबित हुआ है। बीजेपी के तीन कद्दावर नेताओं का निधन इसका गवाह बना है। अगस्त के महीने ने वो दर्द दिया है जिसकी साक्षी देश की सियासत रहेगी, वो तकलीफ जिसकी कसक बरकरार रहेगी, वो कमी जिसकी भरपाई शायद ही आने वाले वक्त में मुमकिन हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।